नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अश्विन पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अश्विन पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी दो बेटियाँ महीने में आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर एक सही समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। अश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे कपड़े से ढक दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठी और मरे हुए बच्चे पर उसका स्पर्श हुआ, वो जीवित होकर रोने लगा। तब बड़ी बहन क्रोधित होकर बोलने लगी कि उस पर अभी हत्या का कलंक लग जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ था, लेकिन आपके व्रत और तप के प्रभाव से आपके भीतर के तेज से उसे जीवित कर दिया। छोटी बहन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने बड़ी बहन की ही तरह विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर दिया। चूंकि उस दिन अश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए इस कथा का पाठ विशेष रूप से फलदायी माने जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूर्ण कर उसके जीवन को सौभाग्य से भर दिया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ अश्विन पूर्णिमा में व्रत और उपवास करने के साथ यहाँ बताई कथा का पाठ करता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।